बट बिफोर हम सबसे पहले ये फॉर्मेट समझें, उससे पहले आप लोग को एक छोटी सी चीज समझनी होगी कि व्हाट इज सब्सिडरी बुक, ठीक है, कि सब्सिडरी बुक होता क्या है। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर कवर किया है, बस इतना बता दो। बताओ बेटा। कैश बुक। ठीक है। तो बेटा ध्यान से समझना आप जरा। अब आप लोग को मैं कुछ बता रहा हूं, जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो बिजनेस की, तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन बेटा दो टाइप्स की होती हैं। एक कैश ट्रांजेक्शन होती है और बेटा दूसरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन को बेटा हम रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेशल बुक बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, कैश बुक। यानी कैश बुक को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या कर सॉरी कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक स्पेशल बुक कौन सी बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। एंड बेटा क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन से बुक बनाएंगे, जो आज आपका चैप्टर है सब्सिडियरी बुक। पहले बताओ सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? यस यस सर। यस सर। सबको? ओके। यस सर। यस सर। सो सबसे पहले एक छोटी सी चीज ध्यान रखना बेटा, कभी भी आपसे पूछ ले, अगर बाई चांस अगर सपोज करो ये थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए या आपके टीचर पूछ ले या वाइवा में पूछ दिया जाए कि वाई सब्सिडरी बुक इज प्रिपेयर्ड, तो आप बोलेंगे सब्सिडरी बुक इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बात समझ में आ गई सबके? ओके ठीक है। अब बेटा ध्यान से समझना, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, परचेज रिटर्न एंड द लास्ट सेल्स रिटर्न, ये चार टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए आप चार टाइप्स की बुक प्रिपेयर करोगे। क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए बेटा आप बुक बनाओगे कौन सी, परचेज बुक, इसको नोट भी कर लेना। क्रेडिट सेल को बेटा रिकॉर्ड करने के लिए आप एक बुक प्रिपेयर करोगे जिसका नाम होगा सेल्स बुक। परचेज रिटर्न के लिए बेटा आप क्या प्रिपेयर करोगे, परचेज रिटर्न बुक। एंड द लास्ट सेल्स रिटर्न के लिए बेटा आप क्या प्रिपेयर करोगे, सेल्स रिटर्न बुक। एंड बेटा इन्हीं चार बुक्स को हम टोटल अगर कर ले तो वो क्या बन जाता है आपके बिजनेस का सबसे डेयरी बुक। क्या सारे बच्चों को अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड। एक छोटा सा पॉइंट और बेटा, परचेज रिटर्न बुक को हम और कौन से बुक बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक। एंड बेटा सेल्स रिटर्न की बुक को हम और कौन से बुक बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड बुक। क्या अब ये बात भी सब बच्चों को क्लियर हो गई? यस ओके ठीक है। सो ओवरऑल आई रिपीट, चार टाइप्स के बुक बनेंगी, क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स बुक, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न के लिए बेटा सेल्स रिटर्न बुक। और इन्हीं चारों बुक्स को हम क्या बोलते हैं, सबसे डियरी बुक। सारे बच्चे आप क्लियर हैं इस पॉइंट से, इस टॉपिक से? यस सर। तो क्या सब बच्चों ने परचेज बुक और सेल्स बुक इसका फॉर्मेट प्रिपेयर किया है? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सबसे पहले हम फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, ठीक है। डेट मतलब किस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है, पर्टिकुलर्स में बेटा हम सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, इनवॉइस नंबर में कोइंसिडेंटली कुछ नहीं आएगा, ना ही लेजर फोलियो में कुछ आएगा। डिटेल्स में बेटा हम सारी की सारी कैलकुलेशन शो करते हैं, मतलब जितने भी प्लस या माइनस होना है वो डिटेल्स के कॉलम में हम पूरा शो करेंगे। कॉस्ट वैल्यू मतलब बेटा कितने का हमने क्रेडिट परचेज किया है, ठीक है। इनपुट जीएसटी का मतलब, अब जीएसटी ऑब्वियसली गिवन होगा बेटा, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये कब यूज होगा, जब आपने किस टाइप का क्रेडिट परचेज किया होगा, इंट्रा क्रेडिट परचेज। बात सबके समझ में आए?
ठीक है। एंड बेटा ऑब्वियसली बात है, आईजीएसटी कब यूज होता है? इंटर क्रेडिट परचेज के केस में, यानी जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी। बात सबको समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बेटा कि हमें फ्रेट और कार्टेज पे करना पड़ जाता है, जो कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा। अगर मेंशन होगा तो आप ये कॉलम बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे। लगे आप पहले सेल्स बुक समझ लो, फिर इसके कुछ एक्सेप्शन पॉइंट है वो समझा देता हूँ। सेल्स बुक भी बेटा सेम चीज है, आपने डेट पर्टिकुलर्स के अंदर आइटम्स नोट किए, इनवॉइस नंबर के अंदर और लेजर फोलियो के अंदर कुछ नहीं आएगा। डिटेल्स के अंदर आप अपनी सारी कैलकुलेशन शो करोगे। सेल्स वैल्यू मतलब आपने कितने का क्रेडिट सेल किया है। आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा स्टेट में लगेगा और आउटपुट आईजीएसटी बेटा इंटर स्टेट में लगेगा, ठीक है। और फ्रेट और कार्टेज अगर क्वेश्चन में गिवन हुआ तो मेंशन करेंगे। पहले बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा मेरे साथ साथ आप लोग कुछ छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्पेशल पॉइंट से जरा उसको नोट कर लो एक बार। सारे बच्चे नोट करेंगे बेटा। इसको नोट करते जाना बच्चों। ये नोट करेंगे। ये सारे बच्चे नोट कर लो बेटा, फिर समझाना शुरू करता हूँ। ये तीन पॉइंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे एंड देन इसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। जतिन टाइम से आया करो बेटा। जल्दी नोट करें बच्चों। Done. Done, शाबाश। So done. शाबाश, शाबाश। स्टार्ट करें बच्चे, सबने नोट कर लिया? Yes, sir. Okay, ठीक है, चलो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, सारे बच्चे सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
अब तक हमने जब बेटा मतलब जितनी दिन भी हमने अपने अकाउंट्स पढ़ी है ना, हम अप्रैल से हमने अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया था, जब से मैंने आप लोग को ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताया है, तो बेटा मैंने आप लोग को हमेशा सिर्फ एक चीज बोली है कि ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन यानी ट्रीटमेंट होती है, बट हम उसको कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो नहीं करते। याद है सबको? ठीक है, बट बेटा अब यहां पे आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी होगी, सब्सिडियरी बुक के अंदर बेटा ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन भी करनी है और उसको शो भी करना होता है। कैसे शो करना मैं अभी आप लोग को बताता हूं। अब उससे पहले जरा सेकंड पॉइंट देखो आप लोग, मैंने क्या लिखा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ डिफरेंट बिजनेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। सपोज करो बेटा आप परचेज बुक बना रहे हो, परचेज बुक बना रहे हो, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हम इसमें कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन? सबसे पहले ये बताओ। क्रेडिट 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 ओके ठीक है। अब सपोज करो बेटा आपका बिजनेस है स्टेशनरी का, मतलब आप जो भी क्रेडिट परचेज कर रहे हो बेटा वो स्टेशनरी के आइटम्स को परचेज कर रहे हो, है ना। अब सपोज करो क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने गारमेंट परचेज किया है क्रेडिट में, ठीक है, क्या बेटा स्टेशनरी का बिजनेस और गारमेंट का बिजनेस दोनों सेम होता है? ओके मतलब क्या है वो समझो बेटा, आपका बिजनेस किस चीज का है? स्टेशनरी का है। एंड इन केस अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई एक ट्रांजेक्शन बेटा दूसरे आइटम की गिवन हो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो, तो बेटा उसको फिर हम सब्सिडियरी बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। बल्कि उसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी बेटा, उसको हम जर्नल एंट्री के थ्रू पास करेंगे, कौन से बुक में? जर्नल प्रॉपर बुक में, यानी एक और बुक बनेगी इसके अंदर जर्नल प्रॉपर, जिसके अंदर एक जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे। सारे बच्चों को बी वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर। सबको? यस सर। ओके ओके ओके, लास्ट पॉइंट बेटा, ठीक है, इन पर्टिकुलर कॉलम वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन फॉलोइंग मैनर, मतलब बेटा हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे कि मतलब कितने का क्रेडिट परचेज किया है या फिर कितने का क्रेडिट सेल किया है, देन आप क्या शो करोगे, फ्रेट डिस्काउंट अगर गिवन है तो उसको माइनस करोगे, देन जीएसटी ऐड करोगे एंड देन फ्रेट को इंक्लूड करोगे। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको ना एक पॉइंट में आप लोग को करके दिखाता हूं, तो आप लोग मेरे साथ देखना जरा कैसे करेंगे, एंड इसके बाद बेटा बाकी ट्रांजेक्शन फिर आप लोग खुद से करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड बच्चों, मैंने यहां लिख दिया डेट, यहां लिख दिया पर्टिकुलर, यहां लिख दिया बेटा इनवॉइस नंबर, यहां लिख दिया बेटा लेजर फोलियो, यहां लिख दिया मैंने डिटेल्स, देन यहां पे कॉस्ट और फिर जीएसटी जैसा गिवन होगा। रुको ये बताओ सारे बच्चों को क्वेश्चन लिख रहे हो बेटा? Yes. अच्छा रुको थोड़ा सा इसको हम वो करते हैं, जूम कर देते हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर दिख रहा होगा। ओके अब एक बात बताओ बेटा, ये है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर, बेटा बिजनेस किस टाइप का है? बेटा बिजनेस किस चीज का है? जनरल स्टोर का है ना। अब सपोज करो बेटा यहाँ पे लिखा हो कि आपने स्टेशनरी खरीदा हो, तो क्या वो इस बिजनेस से रिलेटेड आइटम है? नो सर। ओके बेटा उस ट्रांजेक्शन को फिर हम क्या करेंगे? जनरल प्रॉपर में। ये हुई ना बात, शाबाश, वेरी गुड। अब एक बात समझना जरा, हम इस क्वेश्चन को बेटा कैसे प्रेजेंट करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। अब देखो 2019 में मई 1st को आपने एक ट्रांजेक्शन की है, तो सबसे पहले हम जरा यहां पर इंफॉर्मेशन नोट करें, डेट 2019 मई 1। अब बेटा देखो बॉट फ्रॉम मिस चुन्नी लाल मैम राज दिल्ली, ठीक है, क्या बढ़िया सा नाम है। चलो एम एस चुन्नी लाल जी, हंसी तो आ रही होगी तुम लोग को, है ना,
लेकिन बेटा ऐसे ही होता, नाम ऐसे ही आप लोग को मिलेंगे, चुनीलाल मैम राज है ना, मतलब एक साथ तीन चार नाम डाल दिए इन्होंने है ना, तो अब उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो नाम अच्छा लगे वही हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा इसको कैसे करना है, 100 बैग ऑफ आईटीसी रीट आटा एट द रेट 530 पर बैग, यानी बेटा हमने उनसे खरीदा है 100 बैग एट द रेट 530 ईच, तो बेटा टोटल कितने रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया ये, 53,000 बेटा हमने डिटेल्स भी लिख दिया 53,000। फिर दूसरी चीज बेटा हमने और क्या खरीदा है, 50 बैग ऑफ राइस बासमती, यानी बासमती राइस खरीदा है 500 पर बैग, तो 50 बैग एट द रेट कितने का था एक बैग, 500 पर बैग, बेटा ये कितने रुपए का आएगा, 25,000। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, हम यहां लिखेंगे या तो ऐसे ट्रेड डिस्काउंट, कितना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 10%, तो बेटा 10% हमें इन दोनों के टोटल का निकालना होगा, तो 53,000 और 25,000 टोटल कितना हो गया 78,000, एंड बेटा 78,000 का 10% कितना होता है 7,800 यानी 7,800 ठीक है। एंड देन बेटा हमको क्या चार्ज करना है इस पे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, एक बात बताओ अगर हमने गुड्स परचेज किया है तो इनपुट या आउटपुट कौन सा जीएसटी लगेगा, इनपुट। ओके एंड बेटा दिल्ली का बिजनेस है और ये जो जिससे हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं वो भी दिल्ली का है, तो बेटा यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, सीजीएसटी यानी ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, सारे बच्चों को ये समझ में आया, यस सर। ओके ओके चलो, तो हमने यहाँ पर लिखा एड इनपुट CGST as input SGST, तो बेटा ध्यान से समझना जरा कि इनपुट CGST और इनपुट SGST निकालेंगे किसका, वो समझना है आप लोग को मेन चीज, ठीक है। मैं आप लोग को कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना बेटा। टोटल 78,000 का बेटा हमारा प्रोडक्ट था, उसमें से 7800 रुपीज तो हमारे ट्रेड डिस्काउंट के निकल गए, बचा कितना 70,200 का, बेटा इसका आपको क्या कितना परसेंट निकालना होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, 6%। पहले बताओ सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई, यस सर। पक्का, यस सर। ओके, हमने लिखा बेटा 4212 सीजीएसटी 4212 एसजीएसटी। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, ये तो हमने डिटेल्स के कॉलम में डाल दिया, अब हमें इसके बाद बेटा पोस्टिंग करनी है, तो बेटा टोटल प्रोडक्ट 78,000 रुपीज का था जिसमें से 7800 रुपीज चले गए ट्रेड डिस्काउंट के, तो आपके कॉस्ट कितनी आई 70,000, कितनी आई थी भाई 200, जिसमें से इनपुट सीजीएसटी लगा बेटा 4212 और इनपुट एसजीएसटी लग गया 4212। पहले बताओ सारे बच्चों को प्रेजेंटेशन समझ में आई या किसी को डाउट आया बेटा, सर आ गई, किसी भी बच्चे को डाउट है बेटा, चलो एक काम करते हैं, मैं एक बार आप लोगों को उसको गो थ्रू करा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ। तो बेटा सबसे पहले तो जो वेंडर उसका नाम लिखेंगे, कौन से स्टेट का है वो जरूर लिखेंगे, यहाँ पर ना आप लोग पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा वाइडर बनाना क्योंकि मैंने पूरा नहीं लिख पाया, आपको पूरा लिखना होगा बेटा, तो जितना क्वांटिटी खरीदा है और पर क्वांटिटी कितना प्राइस है वो लिखो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिटेल्स के कॉलम में उसको पोस्ट कर दो, देन आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 10%, तो बेटा दोनों वैल्यू के टोटल का आप 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आई दैट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एंड बेटा जो वैल्यू आई है मतलब टोटल परचेज में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद बेटा जो वैल्यू आई है उसका आप निकालोगे सीजीएसटी और एसजीएसटी आई मीन जीएसटी, और दोनों को सेपरेट कॉलम में पोस्ट कर दोगे बेटा, इस पूरे का यहाँ पर टोटल लिखेंगे, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल लिखेंगे, एंड आपका जाकर के पहले ट्रांजेक्शन का परचेज बुक कवर अप हो गया। क्या सारे बच्चों को ये चीज समझ में आई है बेटा, जल्दी बताओ, टोटलिंग का क्या करना, क्या बेटा टोटलिंग में क्या करेंगे हर एक ट्रांजेक्शन के बाद, अब जैसे 70,200 प्लस 4212 और 4212 कितना हो जाएगा जरा ये बताओ पहले, तो
रुको, टोटल वैल्यू कितनी आई? 78,624. अब आप इसको यहां पे प्रेजेंट करोगे 78,624. yes. और यहां पे प्रेजेंट करोगे 70,200, यहां पे प्रेजेंट करोगे 4212, और यहां पे प्रेजेंट करोगे 4212. इसका टोटल इसके टोटल के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही सही पोस्टिंग की है. समझे? यस सर. सो इक्वल टू और नहीं आएगा? ना 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 ना, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं है ना. सारे बच्चों को समझ में आया? यस. सारे बच्चों जवाब दो. यस सर. ट्रेड डिस्काउंट के बाद फिर से एक बार रिपीट कर दो. देख बच्चा, सबसे पहले आपने जितने का परचेज किया था वो मेंशन किया, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया. तो हमने इतने का परचेज किया, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, ये वैल्यू बची. तो बेटा जो वैल्यू आपकी बचेगी उसका आप क्या कैलकुलेट करोगे? जीएसटी. समझे सिमरन? यस सर. ठीक है. एंड देन फिर जीएसटी कैलकुलेट करके आप उसकी पोस्टिंग कर दोगे. अब अगर आप लोग को ये चीज समझ में आ गया बेटा, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना May 3 और May 4 की ट्रांजेक्शन जल्दी से करो, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा आपने सही किया कि नहीं. एंड ध्यान रहे, टोटल 3 मिनट्स, टोटल 3 मिनट्स, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी. बेटा जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, 2 मिनट्स लेफ्ट. Hurry up guys, last 1 minute left. ताज़ी की बात है, इस बार किसी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक. यस सर. आ गया? अरे सर लाइट चली गई, रुक जाओ एक सेकंड. हरे अब मैं बताना शुरू करूं? सर 52992. What is 52992? Total. गलत जवाब है आपका. चलो बेटा मैं बताना शुरू कर रहा हूं. देखें आप लोग ने अगर कोई गलती की है तो कहां की है और क्यों की है, ये ज्यादा बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है बेटा. और किसी बच्चे का आंसर आया कुछ? चल क्वेश्चन दिखा दूं. ओके सो क्वेश्चन ये रहा, अब हमने किससे परचेज किया है? बॉट फ्रॉम मिस कनोडिया ऑयल मिल्स. ओके
सो मे थ्री एम एस कनोडिया ऑयल मिल्स ओके. हमने कितने का परचेज किया? 40 टिन्स परचेज किया एट द रेट 1500 पर टिन. ओके तो 40 टिन्स एट द रेट 1500 पर टिन. ठीक है तो 15 फोर्स ऑफ आई मीन 60,000. रुको 15 फोर्स ऑफ 60 ये 60,000 आ जाएगा. ओके उसके बाद बेटा 20 टिन्स एट द रेट 900 पर टिन. तो 20 एट द रेट 900 तो दिस विल बिकम 18,000 रुपीज. ओके माइनस करना बेटा आपको ट्रेड डिस्काउंट 10%. तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%. तो बेटा 70 ये भी 78,000 का आ रहा है. तो दैट मीन ये भी कितना हो जाएगा 7800 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा. और इससे जीएसटी कितना है? सेम है. तो यानी इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी 4212 ही आएगा. तो बट ट्रेड डिस्काउंट दिखाना ओके ओके 5% इज दैट मीन 3400. अब ये बताओ 78,000 में से 3400 माइनस किया कितनी वैल्यू बची? 3900. ठीक है माइनस करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी. मैंने 9 ही लिखा तुम लोगों को दिक्कत नहीं है सर. 74100. हाँ वो तो मैंने भी निकाल लिया. अब इसका ये बताओ वो तुम लोगों ने कितना निकाला है जीएसटी? 446. हाँ 446. ओके 446. ठीक है क्या सारे बच्चों का यही आ रहा है बेटा जो मैंने किया है? यस सर. तो इसका आंसर है 82992. तुमने कहा 82992. ओके सारे बच्चों का यही आंसर आ रहा है बेटा जल्दी बताओ. Yes, sir. सारे बच्चों का? Yes, sir. Yes, sir. Okay. रानित कहाँ गड़बड़ हुई है? गुलाटी तुमसे कहाँ गड़बड़ हुई है? सर मैंने तो बताया आंसर. सर वो मैंने एट को ना उल्टा पढ़ लिया था मतलब. हार्दिक गुलाटी की बात कर रहा हूँ. ओके ठीक है अब इसी बात है बेटा थर्ड वाला भी कर लेते. तो थर्ड वाले के लिए रुको पहले मैं फटाफट वो करूं जल्दी से. जिन बच्चों ने थर्ड नहीं किया बेटा वो थर्ड वाला जल्दी से करें. तो थर्ड वाला पॉइंट क्या बेटा? 25 बैग ग्राम 480 पर बैग. तो 25 इंटू 480 कितना आएगा बेटा? बेटा 25 इंटू 480 कितना आएगा? 12,000 रुपये. ठीक है और इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितने का है? 5% का है. सो लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% तो 12 और 10 22 का 5% कितना आ रहा बेटा? 1100. ओके ठीक है सो बेटा 12 प्लस 10 22 22,000 में से 1100 माइनस किया कितनी वैल्यू आ रही बेटा? 22,000 में से हमें 1100 माइनस करना था. आप लोग ने अभी तक मुझे आंसर नहीं बताया कैसे चल रहा है. 20,900 एंड बेटा उसका 12% का आईजीएसटी कितना आ रहा है? 2508 एंड टोटल कितना आ रहा बेटा?
ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अब मुझे जरा एक एक करके बताना जरा, कॉस्ट वैल्यू पहले वाले ट्रांजेक्शन की कितनी थी? 70,200 ठीक है बेटा, दूसरे वाले की कितनी थी? 74,100 ठीक है, ये बताओ कॉस्ट के पहले ट्रांजेक्शन की कॉस्ट की वैल्यू 70,200, दूसरे कॉस्ट की वैल्यू कितनी है दूसरे ट्रांजेक्शन की? सॉरी 74,100 और तीसरे की कितनी आई है? समथिंग 20,900 ठीक है, 2900 ठीक है, तो ये टोटल करके बताओ कितना होगा? 200,415 दिस विल बिकम 7,714,165,200 क्या सारे बच्चों का कॉस्ट का टोटल करके देखो यही आ रहा है? सर मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने ये कैसे निकाला। अरे मैंने कुछ निकाला नहीं, मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ बेटा, एक काम करो जरा, कॉस्ट का आपने तीन ट्रांजेक्शन किए, तीनों ट्रांजेक्शन का टोटल बताओ कितना हो रहा है? या एक काम करो डिटेल्स का आप टोटल करके बताओ, डिटेल्स का टोटल कितना हो रहा है बेटा? जल्दी डिटेल्स का टोटल कितना आ रहा है बेटा? किसी ने जवाब नहीं दिया अभी तक? सर 185024 कुछ मिस्टेक हुई है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कैलकुलेशन चेक करें जरा आप लोग। सर मिल गई मिस्टेक। क्या मिस्टेक हुई है? आज वाले में भी ट्रेड था क्या? 40 बैग्स ₹25 पर बैग को आपने 10,000 लिया है, लेकिन 1,000 नहीं होना चाहिए। 25 4 100 ओके ठीक है ठीक है, तो यही गड़बड़ हुई है, इसको सही कर लेते हैं जरा। सबसे पहले तो ये आएगा बेसिकली 1,000 रुपीज, तो ये 13,000 का कितना परसेंट था? 5% यानी 650 रुपीज ठीक है। यहाँ मिस्टेक हुई, इस कैलकुलेशन को सही कर लेना ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. सबको? Yes, sir. Okay. अब इसी बात पे बेटा एक और चीज, रुको 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 ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा सारे बच्चों को? Yes, sir. बस मुझे इतना एक सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा बिजनेस किस चीज का है, बस इतना बताओ। होलसेल क्लॉथ डीलर का, यानी गारमेंट से रिलेटेड बिजनेस है ना। अच्छा जनवरी 3 की ट्रांजेक्शन क्या उसी क्लोथ से रिलेटेड है? यस सर। ओके बेटा जनवरी 8 की ट्रांजेक्शन क्या क्लोथ से रिलेटेड है? यस सर। अच्छा नहीं ठीक है बिल्कुल है। जनवरी 15 की ट्रांजेक्शन बेटा क्लोथ से रिलेटेड है? यस सर। ओके एंड बेटा लास्ट जनवरी 20 की ट्रांजेक्शन क्लोथ से रिलेटेड है? नो सर। हैं कोई टाइपराइटर नहीं पहनता? नो सर। अच्छा चलो मान लेते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, फिर जनवरी 20 की जो ट्रांजेक्शन उसका क्या करेंगे? फाइन ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में किया जा सकता है? लेजर पोस्टिंग इज बेसिकली बुक प्रिपेयर करना ठीक है, तो वो वही मतलब है ना। अच्छा तो बेटा ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है बेटा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सेल्स बुक एंड देन परचेज रिटर्न बुक, दोनों को फॉर्मेट दोनों की चीजों को करना जरूरी होगा। आज की क्लास सबको समझ में आई है कि नहीं आई है पहले ये बताओ।
Yes, sir. Yes.